नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम खड़े हुए महाराणा प्रताप चौक पे सितारगंज। आप देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ पे जाम लगना लोगों की समस्याओं का कांड बनता है। छोटे छोटे व्यापारी जो इस चौराहे पे रहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे शासन प्रशासन इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर शासन प्रशासन यहाँ पे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए तो शायद जाम ना लगे। और एक और बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चौराहा है ये रोड के बीचों बीच ना बन के एक साइड में बनने की वजह से बाजार से आने वाली गाड़ियों के लिए बहुत संकरा हो चुका है। और वहाँ से गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो आगे वाली गाड़ियों को सामने जगह नहीं मिलती, तो इस वजह से दो गाड़ियाँ जब लगातार आती हैं तो यहाँ पे जाम लग जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि जब भी शहरों में ऐसे चौराहों का निर्माण होता है तो शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी बैठ के एक टेबल पे मीटिंग करनी चाहिए कि जब हम इन चौराहों का निर्माण करते हैं, लाखों रुपए इन चौराहों पे खर्च करते हैं, तो इन चौराहों को ऐसे बनाया जाए कि आने वाले ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आनम फानम में बनाए गए चौराहे लोगों की समस्याओं का कारण बनते हैं। और आइए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सितारगंज महाराणा प्रताप चौक से। और आगे भी मैं जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वार्ता करें, इन चौराहों के बारे में सोचें। आने वाले समय में अगर ये छोटी छोटी समस्याओं को इनके समाधान के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई तो आने वाले समय में ये बड़ी समस्याएं बन के लोगों के सामने आएंगी। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ सिफार। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की सुविधा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। उसी की वजह से यहाँ पर जाम लगता है, डेली आए दिन जाम लगता है, रोज़ शाम को 5 बजे के बाद जाम लग जाता है। यहाँ पुलिस की सुविधा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं होती, इस वजह से जाम लगता है। सर, मुख्य वजह तो पहले ये है कि ये जो महाराणा प्रताप चौक का ये जो घेरा बना है, ये हमने आज से 1.5 साल पहले इसकी आवाज़ उठाई है कि घेरा गलत जगह पर बन रहा है। और ये गलत जगह बनने की वजह से ट्रैफिक जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा। जो उधर से गाड़ियाँ आती है हल्द्वानी साइड से, वो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ मुड़ती है। हम 1.5 साल हो गया इसका, हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है कि भाई ये चौराहा गलत बन रहा है और शासन प्रशासन ने अपनी मर्जी के साथ ये चौराहा गलत जगह पर बनवाया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे यहाँ आए भी थे, SDM साहब जिस दिन बन रहा था उस दिन भी हमारे यहाँ उन्होंने आकर देखा, हमने उनको सारा समझाया, यहाँ घटना प्रदर्शन भी हुआ कि सर इसे सही जगह पर बनाया जाए। ये जो सेंटर, मेन सेंटर से कम 15 फुट आउट बना है ये चौराहा, और 15 फुट आउट बनने की वजह से जो हल्द्वानी की गाड़ियाँ आती हैं वो सब रॉन्ग साइड से होके जाती हैं, और रॉन्ग साइड होने की वजह से ये जब ट्रैफिक पूरे रोड पे घूम नहीं पाता तो जाम लगने की व्यवस्था बनती है। और ऊपर से त्यौहार का टाइम है, दीपावली के टाइम पे वैसे ही रश बढ़ जाता है, और पुलिस प्रशासन को यहाँ शाम को होना चाहिए कि यहाँ जो कि मतलब कि सही तरीके से यहाँ ट्रैफिक चलता रहे। दीपावली के टाइम पे, त्यौहार पे गांव के लोग भी आते हैं, पूरे बाज़ार में रौनक होती है, हर बंदा बाज़ार में दुकानें बाहर लगा के बैठा है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि ट्रैफिक जाम तो थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन कम से कम त्यौहार के टाइम पर मतलब कि पुलिस प्रशासन यहाँ होना चाहिए, जो कि मौके पर इसको ट्रैफिक को सही तरीके से चलाया जाए। जब यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाला कोई नहीं होता, ट्रैफिक अधिकारी नहीं होता, तो लोग उल्टा सीधा मुड़ते हैं। और मेन मुड़ने की वजह ये है कि चौराहा गलत बना हुआ है। चौराहा अगर सही बनता तो बिल्कुल ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता, यही हमारी मांग। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम खड़े हुए महाराणा प्रताप चौक पे सितारगंज। आप देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ पे जाम